Hayırlı olsun kızım. Resmen bela topu gibi bir babaannen oldu. Anneciğim sana kimse acını unut demiyor. Ama kızı hariç. Ben senin torunun falan değilim, tamam mı? Senin benimle hiçbir bağın yok. Ben Kenan'ın kızı falan değilim. Hiçbirimiz unutamayız. Ama artık acımızı dindirmenin zamanı geldi. Bak kız, başka birinden falan olmasın. Bu işin başka yolu yok. Benim bu Melike'den kurtulmam gerek. Gururlu prenses katlanıyormuş. Katlanma kızım. Defol git. Mal gerek. Onu geldiği yere geri gönderebiliriz. Tabii sahneye. Sizi öyle bir ezerim ki tozunuzu bile bulamazlar. Herkes hata yapabilir. So hello guys, यलन के एपिसोड में मेलिके की सास मेलिका के ऊपर गोली चलाती है, तभी मेलिका का देवर कदिर आके मेलिके को बचा लेता है और इसके बाद वो गोली कदिर को लग जाती है। उसके बाद कदिर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कदिर की जान बच जाएगी। उसके बाद कदिर उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद मेलिके के सास के पास जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे बेटे केनान को नहीं मारा है। फिर उसके बाद मेलिके की सास को गुस्सा आता है और मेलिके का गला दबाती है। फिर उसके बाद केदिर आके फिर से मेलिके को बचा लेता है और केदिर उसकी माँ से ये कहता है कि मेलिके ने अपने शोहर को नहीं मारा है और वो कातिल दूसरा है। फिर उसके बाद मेलिके की सास कदिर का बात मान लेती है। फिर उसके बाद मेलिके की सास को ये एहसास होता है कि मेलिके ने मेरे बेटे को नहीं मारा है और वो कातिल दूसरा है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम इस एपिसोड में ये देखते हैं कि मेलिके को सब मालूम हो जाता है कि ये हज़ल मेरी बेटी नहीं है, मेरी हज़ल तो दूसरी बेटी है। और उससे ये भी मालूम हो जाता है कि मेरी असली बेटी हज़ल तो डूरो है, क्योंकि मेलिके वो बर्थमार्क डूरो पे देख लेती है। वो समझ जाती है कि यही मेरी असली हज़ल डूरो है। और दूसरी तरफ दोस्तों मेलिके अपने शोहर के कातिल को ढूंढती रहती है, क्योंकि उसकी वो कातिल की वजह से मेलिके को 20 साल जेल में रहना पड़ा है। उसके साथ मेलिके के साथ अब कदिर भी साथ देने को तैयार है और ढूंढने को तैयार है कि जिसने भी ये केनान का मारा है उसको सजा देने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों हम तो ये सब जानते हैं कि मेलिके के शोहर को केनान को मारने वाला और कोई नहीं है, वो चेंगिस ही है। मगर कि मेलिके को अब तक मालूम नहीं हुआ है। आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द से जल्द मेलिके को मालूम हो जाएगा कि चेंगिस ने ही केनान को मारा है। इस डर की वजह से चेंगिस और उसकी बीवी मेलिके को ख़त्म करने का सोचते हैं, क्योंकि अगर मेलिके को मालूम पड़ेगा कि चेंगिस ने ही केनान को मारा है तो चेंगिस को 20 साल जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए अपडेट्स के लिए।